आज इस वीडियो में मैं आपको सदर बाज़ार दिल्ली स्टेशन से कैसे पहुँचे इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें समझोगे तो आप आगे कुछ कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं वो डरते हैं कि यार कैसे जाएंगे और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो अभी मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पर हूँ। अब यहाँ से हम निकलेंगे, सबसे पहले समझो कि किस प्लेटफॉर्म से निकलेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म, 1 से 16 तक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो एक प्लेटफॉर्म 1 नंबर है और फिर दूसरा प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ 16 नंबर है। तो आपको किधर से निकलना चाहिए, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलें, पहाड़गंज साइड, ठीक है, याद रखिएगा पहाड़गंज साइड। तो जब आप बाहर निकलोगे तो वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे और वो आपको सदर बाज़ार तक छोड़ देंगे, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा कि ई रिक्शा कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या उनका रेट रहेगा, वो भी बताऊँगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बताता चलूँ जो सावधानियाँ हैं, तो उसमें सबसे पहली कि किसी भी दलाल से आपको बात नहीं करनी है। जहाँ भी आपको जाना है वो आप वहाँ जाओ। मैंने बहुत सारे नक्शे बनाए हैं, नक्शे को आपको दिखाया है कि कैसे क्या कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आप देख लो और उस जगह जाओ जहाँ आपको जो चीज़ लेनी है ना। पर्टिकुलर कई गलियाँ हैं और उन गलियों का अलग अलग नाम है, तो जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो या आए हो तो उस चीज़ के लिए वहाँ जाओ, ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दो, जो मैंने आपको समझाया कि दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना मोबाइल और जो कैश अगर आप लाए हो तो उसे सब सावधानी से रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो समझाया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आओगे पहाड़गंज साइड से, और वहाँ से जब बाहर एग्जिट करोगे तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा मिलेंगे, डायरेक्ट आप बैठ जाना और बोल देना सदर बाज़ार, वो वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर आपको जाना है। चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। देन अब जो है हम लोग बाहर आए हैं, 10 रुपये है यहाँ से चार्ज ई रिक्शा का, और मैं ई रिक्शा में ही हूँ ताकि आपको उस चीज़ समझ जा सकूँ कि कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो यहाँ से इसका चार्ज 10 रुपये है और आपको वहाँ पे सदर बाज़ार पहुँचा देगा, ठीक है। अब वहाँ से आपको कुछ नहीं, जो करना है वो मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने नक्शे से बताया है कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो वो मैं आपको समझाऊँगा, आज भी आपको समझा दूँगा कि कैसे क्या है, कहाँ उतरूँगा और वहाँ उतरने के बाद क्या सावधानियाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो यहाँ तक आप पहुँचोगे, जैसे ही बाहर निकलोगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ई रिक्शे की लाइन होगी जो आपको 10 रुपये लेगी और वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे, ठीक है। करेंटली अब हम कुतुब चौक पे पहुँच गए हैं, जो जहाँ हमें आना था सदर बाज़ार, जहाँ हमें आना था उसमें, जहाँ उतरना था स्टेशन से आए 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और कुतुब चौक पे हमें उतरना है ना। तो अपने आप ही आप समझ जाओगे, उसके पीछे जिस तरफ से आए हैं, जैसे इस तरफ से आए हैं ना, तो आपके बाएँ हाथ जो रोड गई है वही सदर बाज़ार है पूरी रोड। अभी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, देखिए आज से ही स्टार्ट है, बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यहां से जाएगा फिर आप लोगों के यहां जाएगा, तो अभी तैयारियां चल रही हैं, लोग ख़रीदारी करेंगे यहां से। अभी भी अगर आपको भी कुछ दिवाली के लिए करना है देन यू कैन स्टार्ट करेंटली, ओके। करेंटली हम सदर बाज़ार की 12 टोटी चौक पर हैं, है ना। अब 12 टूटी चौक से इधर चलेंगे तो यही मेन सदर बाज़ार मार्केट कही जाती है, जहाँ पे इस समय दिवाली की काफ़ी तैयारियाँ हो रखी हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको सदर बाज़ार की मेन मार्केट में, जो जहाँ पे ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है मेनली रुई की मंडी, उसको दिखाएंगे कैसे पहुँचना है, ठीक है। अब चलते हैं, तो ये आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत खास तरीके से आराम से काम करना है। भीड़ अभी देखिए, हर जगह आपको फूल की जो लड़ियाँ हैं वो दिख रही हैं, अच्छी खासी भीड़ है, और थोड़ा सा मैंने शाम का वक्त चुना है इसलिए चुना ताकि भीड़ कम हो, नहीं तो दिन में तो आना ही मुश्किल है और बात करना मुश्किल है। तो जब आप आगे चलोगे तो जैसे हम जा रहे हैं 12 टोटी से सदर बाज़ार की तरफ सामने, है ना, और ये जाएगा तेलीवाड़ा चौक की तरफ जाएगा। अब रुई मंडी की तरफ हम लोग मुड़ेंगे और रुई मंडी की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इधर देखिए मुड़ गए, हाँ यहाँ हम लोग मुड़ेंगे, तो आपको ये एक ये समझ लीजिए अनिल भाई राखी वाले समझ लो जहाँ पे लिखा है, उससे इस तरफ मुड़ेंगे, तो ये पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट है ना। यहाँ पे जितने भी आप देखोगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और एक चीज़ आप समझ लो, अंदर घुसना है ना, जितने भी आप देखते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो उसका मार्केट है, बहुत बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे आप आसानी से बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो, जब भी ऐसी जगह आना है तो आपको यहाँ रहने की कोशिश करो, आत्मा है मतलब बिजनेस की, ये समझ। अब यहाँ से हम लोग एक छोटी गली में टर्न हो जाएंगे, छोटी गली में टर्न होंगे तो ये देखिए रोड पे ही काफ़ी कुछ लगा हुआ है ना, और
तो जब आप अंदर जाओगे मतलब ठीक से देखोगे तब आपको असली चीज दिखेगी। रोड रोड पे आप देखोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा।